नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मैं आपको नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की कथा और उसका महत्व सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना का महत्व होता है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ को अन्य भोग के अलावा शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह भोग लगाने से माँ दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इनके पूजन अर्चन से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ता है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाली होती है। इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती हैं। इनका ध्यान करने से ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति वृद्धि होती है एवं स्वर में दिव्य अलौकिक माध्यों का समावेश होता है। क्रोधी छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाने, तनाव लेने वाले और पित प्रकृति के लोग माँ चंद्रघंटा की भक्ति करें। पूजा विधि, माँ को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। केसर, दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। माँ को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हर और गुलाब की माला अर्पण करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र जप करें। इस तरह माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस के साथ सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है। मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो चलिए भक्तों, अब कथा श्रवण करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और खुद स्वर्ण का स्वामी बन बैठा था। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने अपना दुख बताते हुए असुरों द्वारा किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु समेत सभी देवताओं के छीने गए अधिकार के बारे में बताया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वही देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने उस देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह हर एक देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने भी अपना व्रज एवं एरावत हाथी माता को दे दिया। वहीं सूर्य देव ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भयभीत हो गया। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माता चंद्रघंटा पर हमला करने का आदेश दिया। देवी ने अपने शस्त्र
से असुरों की सेना को नष्ट कर दिया। इसके बाद महिषासुर और देवी में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।